ये प्रॉपर्टी है मूनशाइन जहाँ पर हम रुके हुए हैं। वो सारे हट्स हैं पीछे आगे सब, बहुत अच्छी लोकेशन है। और पैराग्लाइडिंग का कोई सीन नहीं लगता क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है, वो ऊपर क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। Please keep your cash if in case you have any, or if you can pay for a group or anything. Like if you have any. जो भी बंदा पहले पहुँचेगा ना, just put up buy it for everybody. ठीक है, we can always exchange money later. Right? Billing के आगे जो point है, that road is a bit. Do you require any ID proofs? Nothing. Are you sure about that? They'll only do the slip of payment. तो इसके आगे हम लोग जाएंगे चाइना पास, वहाँ पे we'll hold on for. Around 30 minutes or so. If you want to enjoy some tea. It's China Pass or China Pass? China. जो भी बोल दो। China. जैसे पुणे में भी सिंगापुर है। Okay. So we'll take a small break there and then we'll head towards Zakarinda Valley. Okay. Side पर जाके we'll not go further than that because if time will not allow us to come back towards this side. If time allows, we'll probably try to come to B to have lunch. Otherwise, we'll have lunch at Billet. And let. As we go up in the mountain, just understand that everything, the level of quality and everything goes down, right? So be happy with only the single Maggie or but enjoy the scenery around you. Just a suggestion, ज़्यादा वो scenery मत देखो, रास्ता निकल जाओगे, ठीक है? So just be careful of that. No roads, you've seen roads are very narrow. तो ride अभी start होने वाली है. स्टार्ट होने लगी है, हम लोग जा रहे हैं चीना और चाइना पास, एग्जैक्ट नाम किसी को नहीं पता, वहाँ पे पढ़ के पता चलेगा, बट मेरी अंदर से फटी हुई है बिकॉज ऑल आर प्रोफेशनल्स और मुझे लग रहा है कि मैं क्या इनको बीट या इनके साथ कोऑपरेट करके अभी राइड को कर पाऊँगी। सो लेट्स सी कैसे होता है, विश मी लक, थैंक यू। जा रहे हैं पूरा जंगल और रोड्स पूरी वेट हुई हुई हैं बारिश की वजह से, और इन ट्रीज पे तो लगता है कि पानी पड़ा ही रहता होगा, और धूप यहाँ पे कम आती होगी इसीलिए पूरी रोड वेट लग रही है। हे शिव शंभु, बचाना मेरे को, हर फोटो ले रहे हैं। अबे हमारा आ रहा कि नहीं आ रहा? बारिश कभी भी आ सकती है। व्यू बहुत अच्छा है, पीछे से गाड़ी भी आई है, आई थिंक ये भी कवर करने ही जा रहे हैं। बहुत गर्मी हो गई ना, बिल्कुल पैक हुआ हुआ वेदर, पीछे तक राइडर्स खड़े हैं, और ये ऊपर का व्यू कितना बढ़िया है। इस तरह से हम जा रहे हैं बीर बिलिंग के हिल्स पर। और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आई होप बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहने वाला है। और मेरी हेलमेट में फॉग होती जा रही है। अभी तो ये बहुत स्लो चल रहे हैं। व्हाट अ व्यू। अभी ऑफ रोडिंग है, मैं बट वुट कुछ नहीं करूँगी, आराम से चलूँगी, क्योंकि एक भी स्टोन के ऊपर मेरा टायर चढ़ गया ना। ओके, दे गेटिंग परमिशन। टफ टेरेन में जाने से पहले आपको परमिशंस की ज़रूरत होती है। हेयरपिन बेंड तो इधर ही आ गए हैं बहुत सारे, और बड़े डेंस फॉरेस्ट आ गए, बहुत ज़्यादा डेंस हैं। और दूसरा यहाँ पे शूटिंग स्टोन, मतलब जो ऊपर से स्टोन गिर जाते हैं नीचे, उसको शूटिंग स्टोन बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। स्टोन रास्ते रास्ते में पड़े हुए हैं, बहुत बड़े भी हैं, छोटे छोटे से भी हैं। मतलब आप यहाँ पे खड़े होने का रिस्क मत लो कभी भी, मतलब यहाँ से आप चलते जाओ। क्या ये
बिलिंग वो लिखा है ऊपर, बिलिंग बोर्ड लगा हुआ है बिलिंग का। वो देखो फोटोज करवा रहे हैं वहाँ पे लोग, कुछ बर्ड वगैरह बनाए। हेलो राइडर्स, तो अभी हम पहुंच चुके हैं बिलिंग साइड पे। ये पूरी बिलिंग साइड है, मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट कैमरा से व्यू करवाती हूँ। पूरा पूरी फॉगी हो चुकी है। वेदर इतना ऑसम, इतना सेक्सी सा वेदर हो गया है। वो पूरी वो जो ये वाली पूरी साइट है, यहाँ से जो जो पैराशूट या पैराग्लाइडिंग करते हैं वो यहीं से जंप करते हैं डाउन, बिल्कुल नीचे। अभी तो वैली भी नहीं दिख रही नीचे, तो पूरी वैली है नीचे। और ये भी बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, प्लेन ग्रास ग्राउंड है, ज़िगज़ैग ऊपर नीचे बना हुआ है। यहाँ से आई थिंक कोई ट्रैकिंग है या ऊपर कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो सकता है। ऊपर जाना तो चाहिए पर राइडिंग गियर डाले हुए हैं तो सबको हैवी भी लग रहा है। सभी ने यहाँ पे अपनी अपनी बाइक्स जो हैं वो पार्क की हैं। कुछ राइडर्स आगे गए हैं क्योंकि हम लोगों ने भी आगे जाना है। ये कुछ आर्टिफिशियल सा बनाया है ईगल। इको बैरियर, ओके नाइस है बिलिंग से। और हम आगे जा रहे हैं साइड से, रोड हाइट सब कुछ चेंज। यहाँ से बाइक नहीं चढ़ रही और मेरी बाइक गिर गई। अब वो ना पीछे बहुत ब्यूटीफुल सी लोकेशन है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स भी होते हैं, ये
ये देखिए नीचे ऐसे लग रहा है पूरा जैसे कश्मीर में है ना, पाइन वुड होते जो कश्मीर के वही लग रहे हैं। बहुत सुंदर वैली है भी, मैं रिकमेंड करती हूँ कि सभी लोग यहाँ पे आओ। तो ये है चाइना पास, ये टेंपल बना हुआ है, फूड पॉइंट है और हम पहुँच गए यहाँ पे। सभी राइडर्स बैठे हैं, यहाँ से ट्रैकिंग वगैरह का काफ़ी पॉइंट है क्योंकि वैन आ गया है। कुछ बाइक्स इधर लगी हैं, कुछ वो सामने लगी हुई है। तो बनी रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चाइना पास से जा रहे हैं राजगुंदा वैली। सो तब तक आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।